और चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में दो जवान घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट से रांची भेजा गया है। टोंडो थाना क्षेत्र और गोलकेरा थाना क्षेत्र के बीच सोसोपी जंगल की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आपको बताएं कि ये पूरा मामला जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुठभेड़ में दो जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रांची भेजा गया है। और इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर चाईबासा से संवाददाता राहुल बने हुए। राहुल, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान दो जवान घायल बताए जा रहे हैं, उन्होंने एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। जी राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सुष्मिता, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये टोंटो और गोलकेरा थाना क्षेत्र के बीच सोसोपी जंगल पड़ता है, जहां पर पहले सुबह सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। हालांकि जो सुरक्षा बल है, 60 बटालियन के जवान और जिला पुलिस के लोग सर्च ऑपरेशन में निकले थे। उस दरमियान उन्हें आधाधिक नक्सलियों के द्वारा उन पर फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी उन पर फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भागने में कामयाब रहे और वही नक्सलियों की तरफ से जो गोलियां चली थी उसमें 60 बटालियन के दो जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है। चलिए राहुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि ये पूरा मामला टोंडो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। गोलकेरा थाना क्षेत्र के बीच ये हमला हुआ है, जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो देखिए, ये पूरा मामला चाईबासा से सामने आया, जहां आपको बताया कि ये पूरा मामला नक्सलियों से जुड़ा हुआ है और लगातार हमें नक्सलियों के इस मुठभेड़ की खबर सामने आती है। लेकिन इस बीच देखिए, ये पूरा मामला टोंडो थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां अब नक्सली मुठभेड़ हुआ और इस दौरान दो जवान घायल हुए हैं और जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता इमरान भी बने हुए हैं। इमरान, देखिए चाईबासा से वापस से नक्सलियों के साथ मुठभेड़ की खबर आ रही है और इस बीच कहा जा रहा है कि दो जवान घायल हुए हैं और उन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। देखिए, चाईबासा में चल रहे मुठभेड़ की घटना के बाद दो जवान घायल हो गए हैं। दोनों घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में एडमिट कराया जा रहा है। दोनों घायल जवान को एयरलिफ्ट कराते हुए रांची लाया गया, जहां खिलगांव में हेलीपैड में उतारते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए दोनों ही घायल जवानों को रांची के मेडिका पहुंचाया गया है, जहां एक जवान की स्थिति गंभीर बनी हुई है जबकि दूसरे जवान जो है वो बेहतर स्थिति में है, लेकिन गोलियां लगी हैं। दोनों ही जवान को ऐसे में बेहतर इलाज हो सके इसलिए फौरन उसे एयरलिफ्ट कराया गया है। जो घायल जवान है उनके बारे में बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 60 बटालियन के हेड कांस्टेबल मुन्ना कुमार और सुशांत कुमार हो गया है मुठभेड़ के दौरान, चूंकि एक केंद्र बिंदु बना हुआ है चाईबासा में। लगातार चाईबासा का जो इलाका है उन इलाकों में विशेष नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं और इस नक्सल अभियान के दौरान प्रयास किया जा रहा है कि कुल्हान क्षेत्र को नक्सल मुक्त किया जा सके बूढ़ा पहाड़ के तर्ज पर। इसी के क्रम में आज सुबह में जब नक्सल ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस, झारखंड पुलिस के साथ जेजे के कई
अन्य जवान जो है नक्सल ऑपरेशन पे निकले थे, इसी दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गए। कई राउंड दोनों तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें दो जवान जो है वो घायल हो गए हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिका में एडमिट कराया जा रहा है। एयरलिफ्ट कराते हुए दोनों ही जवान को रांची लाया गया। यहाँ पर जो है स्थिति जो है एक जवान की गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे जवान उनसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन दोनों ही जवान को गोली लगने की बात सामने आ रही है। डॉक्टरों की एक टीम को भी पूरे मामले को लेकर के सुबह में ही अलर्ट कर दिया गया था, ताकि किसी भी तरह की जब जवान हॉस्पिटल पहुंचे तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसे में जो पूरी व्यवस्था है वो अब जवानों के बेहतर इलाज में जुट गई है। तो वहीं अगर टोरंटो की बात करें, चाईबासा की बात करें, तो नक्सल ऑपरेशन के दौरान प्रयास किया जा रहा है कि जिस दिशा पर नक्सली भागे हैं फायरिंग करते हुए, उस दिशा की घेराबंदी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि नक्सलियों को इस पूरे मामले में या तो जिंदा या तो मुर्दा तरीके से पकड़ा जा सके। क्योंकि जिस तरह से बड़े पैमाने पर चाईबासा कोल्हान का जो पूरा क्षेत्र है, इन क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है कि इलाके को नक्सल मुक्त किया जा सके। इमरान, देखिए ये कोई नया मामला नहीं, इसके पहले भी लगातार चाईबासा से अब मुठभेड़ की खबर देखते हैं और वापस से ये पूरा मामला सामने आया जहां दो जवान घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तस्वीर देखें इमरान, तो लगातार अभियान चलाकर भी जो है आत्मसमर्पण भी किया जा रहा है कई नक्सलियों के विरोध। देखिए बिल्कुल सही कहा कि झारखंड में अब जो नक्सल ग्रस्त जो जिले हैं वो सीमित रह चुके हैं। जहां कई वर्षों से नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, तब ऐसे जो जिले जो दो तीन जिले को अगर छोड़ दिया जाए तो बड़े पैमाने पर नक्सल मुक्त की तरफ जो है अब झारखंड बढ़ता हुआ दिखाया जाए। उसमें से एक जो है वो कोल्हान का क्षेत्र है। कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बड़े पैमाने पर जो बड़े नक्सल जो संगठन के जो नेता है, भाकपा माओवादी के सक्रिय सदस्य है, इन इलाकों में लगातार एक्टिव है। इनके दस्ते पर गिने चुने लोग ही हैं, लेकिन इलाके में नक्सल ऑपरेशन के तहत जो है बड़े पैमाने पर यहाँ पर चलाया जा रहा है, ताकि जो भी दस्ते में शामिल जो भाकपा माओवादी है उन पर लगाम लगाया जा सके, उसे जिंदा या मुर्दा तरीके से इलाके को सफाया किया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों भी जब झारखंड में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, चाहे वो बूढ़ा पहाड़ का इलाका हो, लोअरदग्गा का इलाका हो, पलामू का इलाका हो, चतरा का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में, या कुटी का इलाका हो, रांची का इलाका हो, इन तमाम इलाकों में बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए गए हैं। राज्य स्थिति ये है कि इन तमाम जगहों पर जो कानून का राज है और सीआरपीएफ सहित जो स्थानीय झारखंड पुलिस के जो जवान है वो उनकी सफलताएं मिली है, लेकिन अब पूरा एक तरह से केंद्र बिंदु बन चुका है वो कोल्हान का क्षेत्र बन चुका है। कोल्हान में एक विशेष फोकस को केंद्र बिंदु करते हुए निगाहें बनाते हुए जो है बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन इलाके में चलाए जा रहे हैं। इन इलाकों में जो बड़े इनामी नक्सली हैं, जो भाकपा माओवादी है, माओविस्ट है, वो इलाके में सक्रिय है। ऐसे में इनके दस्ते में बहुत कम संख्या में लोग हैं, लेकिन चूंकि लगातार कई जगहों पर, चाहे वो टोंटो का इलाका हो या फिर कोल्हान या चाईबासा के क्षेत्र की कई ऐसे बड़े घने क्षेत्र जहां पर नक्सली अपने कैंप स्थापित कर रखे थे, उन तमाम जगहों पर नक्सलियों के गढ़ को उखाड़ फेंकने का काम जो है सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों ने कर रखा है। ऐसे में धीरे धीरे इस इलाके को खाली किया जा रहा है और नक्सली को जो है उन इलाकों से पीछे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बार आईईडी ब्लास्ट भी किए गए हैं, आईईडी ब्लास्ट की चपेट में भी जवान आए हैं, ये सारी चीजें भी देखिए, लेकिन जवानों के जो हौसले हैं उसमें किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं है। लगातार जब झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन नक्सल मुक्त की दिशा पर काम कर रही है और इसी दिशा पर आज भी सुबह में इनपुट मिली और उसी इनपुट के आधार पर जब पुलिस उस इलाके में पहुंची तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जवाबी कार्रवाई भी की गई, लेकिन दो लोग जो ऐसे हैं जो पूरे मुठभेड़ में घायल हो गए। सीआरपीएफ 7 बटालियन के दो हेड कांस्टेबल हैं जो कि इस मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए हैं, बेहतर इलाज के लिए रांची के मेडिकल लाया गया है एयरलिफ्ट करते हुए और बेहतर इलाज किया जा सके इस पर विशेष फोकस की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाईबासा और कोल्हान के इलाके में नक्सल ऑपरेशन बड़े पैमाने पर बड़ी तेजी के साथ कार्रवाई की जा रही है। चलिए इमरान, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि ये पूरा मामला चाईबासा के टोटो थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर सोसोपी जंगल में मुठभेड़ हुई है और दो जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है, जहां अमेरिका में ये इलाजरत होंगे।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।